पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। द रूल इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। अल्लू अर्जुन स्टारर इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। खबरें हैं कि पुष्पा 2 में संजय दत्त की एंट्री हो सकती है। हालांकि उनका रोल यश की KGF चैप्टर 2 जैसा विलन का नहीं होगा बल्कि एक कैमियो होगा। फिर ऐसा दावा किया गया कि पुष्पा 2 में मनोज बाजपेयी को लिया जा सकता है, मगर ये फेक न्यूज निकली। मनोज ने खुद इस खबर का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। अब इस लिस्ट में संजय दत्त का नाम भी जुड़ गया। अब देखना है कि असलियत में ऐसा होता है या नहीं। हालांकि संजय पुष्पा 2 में काम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले दिनों शाहरुख खान की जवान में भी कैमियो किया था। हालांकि उसका कुछ खास चर्चा नहीं हुआ था क्योंकि फिल्म का सारा क्रेडिट शाहरुख और एटली के खाते में चला गया। पुष्पा 2 में संजय दत्त कैमियो कर सकते हैं। संजय दत्त का किरदार एक इन्फ्लुएंशियल फिगर यानी प्रभावशाली व्यक्ति का होगा। इससे फिल्म की स्टोरी लाइन में एक और लेयर जुड़ जाएगी। हालांकि अब तक इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। पिछले काफी समय में ऐसी खबरें चल रही थी कि पुष्पा 2 के मेकर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में किसी एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं। इस कड़ी में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह का नाम भी सामने आ चुका है। वहीं अब संजय दत्त के अलावा जानवी कपूर का नाम भी लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्हें आइटम सॉन्ग के लिए कॉन्टैक्ट किया गया है। लेकिन इससे पहले अपडेट थी कि पुष्पा 2 के स्पेशल नंबर में समांथा नहीं बल्कि बॉलीवुड सेंसेशन दिशा पाटनी नजर आएंगी। फिल्म से ये एक बड़ा अपडेट था कि दिशा इससे स्पेशल नंबर में दिखेंगी। फर्स्ट पार्ट में समांथा रुद्र प्रभु के ऊ अंटवा के लिए चुना गया था, जिसमें उनका अल्लू अर्जुन संग सेंसेशनल डांस स्टाइल को हर किसी ने अटेंशन दी थी। लेकिन अब नई अपडेट में सिर में दर्द कर चुके हैं क्योंकि आइटम सॉन्ग में जानवी पुष्पा के सीक्वल में आइटम गर्ल बनेंगी। वैसे तो जानवी अपने अट्रैक्टिव डांसिंग मूव्स और एनर्जेटिक पर्सनालिटी के लिए पहले से ही फेमस है, लेकिन शायद आइटम सॉन्ग के नजरिए से उनका ये पहला काम हो सकता है। पर जानवी को लेने की वजह क्या रही होगी? शायद उनकी देसी रूट्स। जी हाँ, श्रीदेवी जो जानवी की माँ है, तो क्या उनके साउथ एक्ट्रेसेस होने के कारण जानवी को साउथ में लगातार काम मिल रहा है? पुष्पा 2 में आने की खबर से पहले उनकी जूनियर NTR की देवरा और रामचरण की RC16 में एंट्री हो चुकी है। वैसे पुष्पा का ट्रैक ऊ अंटवा रिलीज होते ही तुरंत हिट हो गया, जिसने अपनी आकर्षक धुन और समांथा के बोल्ड परफॉर्मेंस से इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। अब उसको कोई बीट कर पाता है या नहीं, ये देखना होगा। कुछ वक्त पहले एक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना ने पुष्पा 2 पर बात करते हुए कहा कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बार पुष्पा 2 बहुत बड़ी होने वाली है, उसमें बहुत मसाला मिलने वाला है। आपको पहली वाली पुष्पा में जो पागलपन दिखा था उससे ज्यादा पुष्पा 2 में दिखेगा। पुष्पा 2 में मेरे रोल पर बात करें तो अब श्रीवल्ली पुष्पा की वाइफ हो गई, जिसके बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। पुष्पा 2 में इस बार बहुत ड्रामा होने वाला है, बहुत बड़ी लड़ाइयां होने वाली हैं। वहीं बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 2024 में पहुंचे अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 पे अपने किरदार को लेकर कहा था, पुष्पा 1 में आपको जिस रंग में पुष्पा को देखा, पुष्पा 2 में वो उससे बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएगा, क्योंकि अब तक आपने उसके कैरेक्टर पोर्ट्रेयल को निचले स्तर पर देखा था, अब आप उसे कैरेक्टराइजेशन का हाई स्पेक्ट्रम देखेंगे। पुष्पा 2 में आप उसे हाई नोट पर देखेंगे, उससे बड़े स्केल पर देखेंगे। पुष्पा 1 के मुकाबले उसकी मुश्किलों का लेवल भी बढ़ने वाला है, उस कैरेक्टर को आप बिल्कुल नए अंदाज में देखेंगे। पुष्पा 2 को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म में अभी काफी काम बचा हुआ है, ऐसे में फिल्म की टीम एक साथ दो अलग अलग लोकेशंस पर शूट कर रही है, डबल शिफ्ट में काम चल रहा है ताकि फिल्म का काम जल्दी निपटाया जा सके और तारीख पर रिलीज किया जा सके। पुष्पा 2 15 अगस्त को रिलीज के लिए शेड्यूल है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल, जगपति बाबू, प्रकाश राज, सुनील और अंशुआ भारद्वाज जैसे एक्टर्स दिखेंगे। कमेंट करके बताएं कि आपका फिल्म पर क्या राय है। एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। WhatsApp hi to 88288500888.